जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो इसका आंसर है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? तो किसके कारण होती हैं? तो इसका आंसर है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका आंसर होगा, एनीमीटर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता? तो इसका आंसर होगा, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है वाहनों में? तो इसका आंसर है, उत्तल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब किस तंतु से बना होता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब किस तंतु से बना होता है, तो इसका आंसर है, टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो कितना होता है? इसका आंसर होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है वह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह कौन सी महिला थी? तो उनका नाम है, रीता फारिया। जो रीता फारिया है वह भारत की महिला सर्वप्रथम जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अनेक बार यह क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है, नगेंद्र सहें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका आंसर है, 4 वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है? तो वह कौन सा पुरस्कार है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो इसका आंसर होगा, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकृत रूप से कब ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया? तो कब से ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया भारत ने? तो इसका आंसर है, एंटवर्फ ओलंपिक 1920 से खेलों में भाग लेना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, पैडल रिगाटा एवं बकेट किस खेल की शब्दावली में प्रयुक्त होते हैं? तो यह किस खेल की शब्दावली में प्रयोग होते हैं? तो नौकायन बोटिंग खेल में यह प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी वैशाली? प्राचीन राज्य की कौन से राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा, लिच्छवी राज्य की। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो वह कौन सा हिस्सा है? तो कार्निया। अगला क्वेश्चन है, केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है? तो इसका आंसर होगा, ईश्वर का अपना देश। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से राजीव गांधी गोल्ड कप
संबंध है। तो वह कौन सा खेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह फुटबॉल। फुटबॉल खेल में राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है, तो किस देश की है, तो ब्रिटेन देश की। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीयों के सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया, तो कब अस्तित्व में आया, तो 15 अगस्त 2018 को। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 26। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है, तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, तो इसका आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेंडन वर्ग रेखा सीमा किसके बीच निर्धारित करती है, तो यह किसके बीच सीमा निर्धारित करती है, तो बेल्जियम और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोवल किसके लिए उपयोगी है, तो जो कंप्यूटर भाषा कोवल होती है वह किसके लिए उपयोगी है, तो इसका आंसर होगा व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जो जीवन इतिहास विधि है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर है टाइडमैन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो किस देश से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, तो इसका आंसर होगा रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, स्पीयरमैन थे, इन्होंने जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, खो खो में क्रॉस लाइन्स की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है, तो जो प्रेमदासा स्टेडियम है क्रिकेट से संबंधित है यह कहाँ पर है, तो इसका आंसर है कोलंबो श्रीलंका में है यह स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, हुक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो जो हुक शब्द है वह किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर होगा आर कोपलैंड का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, सासाराम विहार में किस शासक का मकबरा है, तो किस शासक का मकबरा है सासाराम विहार में, तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्रा कार्टा संविधान के लिए किस भाग को कहा जाता है, तो किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब कर दिया गया था, तो बहुत क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। अगला क्वेश्चन है, योग क्षेमस महाम्यम किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है, तो किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है, तो इसका आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन है, पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है 4, 4 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो जो फ्री जोन शब्द है वह खो खो खेल से संबंधित है, किस खेल से, खो खो। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की किस पत्नी ने
उसके लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो कौन थी वह पत्नी हुमायूं की? तो हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोनी के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो इसका आंसर है प्लिनी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो जो भारत में खरोष्ठी लिपि थी इसको किसने प्रतिपादित किया? तो ईरानियों ने, ईरानियों ने इस लिपि को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1907 में। अगला क्वेश्चन है, पानी में साबुन घोलने के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है पृष्ठ तनाव पर? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह किस नगर में स्थित हैं यह गुफाएँ? तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद में यह गुफाएँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत हुए किए? तो महमूद गजनबी। इसका आंसर क्या है? महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन है, कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो कमल का फूल है वह किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा सभ्यता एवं संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है, करेंसी एवं फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संरक्षण द्वारा किया जाता है? तो किस संरक्षण के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो किस पर की जाती है? तो इसका आंसर होगा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है लाभांश की घोषणा कंपनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण होते हैं? तो इसका आंसर है ट्रोपोजेनिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी मंडल में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा तृतीय मंडल में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ है? तो किसके द्वारा? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है जैन धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है अलवर राजस्थान में यह अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, तेज धावकों की मांसपेशियों में किसके संचयन में ऐंठन आ जाती है? तो इसका आंसर है लैकिटक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो कौन सा प्रदूषक है सिगरेट के धुएं में? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक किसके हैं? तो किसके हैं लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक? तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण के। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में भी आ चुका है कि भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो इसका आंसर है भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो वह भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसकी सीमा एक ओर राजस्थान से, एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया
का शहर वेना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर है डेन्यूब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी इस संगठन की स्थापना? तो इसका आंसर है विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था जब असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय? तो इसका आंसर होगा जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल को अचानक गिरावट किसका सूचक है? तो किसका सूचक है जो पारे का अचानक गिरावट आती है? तो इसका आंसर है तूफान का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, समूह कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है तो किसने किया है? तो इसका आंसर होगा थर्स्टन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन किया जाता है तो किस में किया जाता है फलों का अध्ययन? तो इसका आंसर होगा पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे, इसका आंसर है जीबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जो सुनामी शब्द है वह किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जापानी भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो क्या लाया जाता है प्रयोग में? तो इसका आंसर है पुजीटा स्केल। जो पुजीटा स्केल होता है वह टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए? तो इसका आंसर है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा नेटवर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो जो महाबलीपुरम का मंदिर था यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर है पल्लवों द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक। हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं और ऐसे ही वीडियो हम और अपलोड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।